बच्चों, मैंने आपको पाठ पाँच पागल हाथी जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई थी और मैंने आपको उसके स्पीकिंग स्किल वाले प्रश्नों के उत्तर भी आपको करवाए थे और मैंने आपको होमवर्क में पेज नंबर 41 पर प्रश्न एक और प्रश्न दो, यह दो मैंने आपको होमवर्क में फिल करने के लिए दिए थे जो आपने कर लिए होंगे। अब मैं आज आपको प्रश्न तीन अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रश्न तीन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, मोती ने पागलपन में क्या किया? मोती ने पागलपन में अपने महावत को मार डाला। ख, मोती अपनी दशा देखकर दुखी क्यों हुआ? मोती अपनी दशा देखकर दुखी हुआ क्योंकि उसकी पदवी छीन ली गई थी और उसे कुलियों की तरह लकड़ियाँ ढोनी पड़ती थी, यानी कि उसे लकड़ियों का बोझ उठाना पड़ता था। ग, राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाकर क्या करने को कहा? राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाकर कहा कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1,000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। प्रश्न घ, मोती वापस महल में कैसे आया? मुरली ने अपने स्नेह से मोती को सुधारा और उसे महल में वापस लाया। तो बच्चों, मुरली कौन था यह तो आप जानते ही हो कि मोती ने जिस महावत को मार डाला था, मुरली उन्हीं का बेटा था जो बचपन में हाथी के साथ खेलता भी था। तो वह मुरली अपने स्नेह से मोती को सुधार कर महल में वापस लाया। तो यह सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं आपको पेज नंबर 42 पर बताने जा रही हूँ। पेज नंबर 42, प्रश्न 4, पाठांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह जो है वह भी पठित गद्यांश ही है। यह जो पैसेज है वह आपके पाठ का ही है। अभी मैं आपको यह समझा रही हूँ। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीरें देखी तो मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, ये कहानी तो आप जानते ही हो कि जब मोती की पदवी छीन ली गई तो वह वापस जंगल में गया और उसने अपने साथियों को ढूंढा। तो जो दूसरे उसके साथी थे, जो हाथी थे, उन्होंने मोती के गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीरें देखी तो मोती से उन्होंने मुंह फेर लिया। तो मोती जो था वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिंघाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। तो बच्चों, जैसे ही मोती ने राजा साहब को शिकारियों के साथ आते हुए देखा तो वह फौरन यानी कि तुरंत चट्टान की आड़ में छिप गया। उस वक्त धूप बहुत तेज थी, इसीलिए राजा साहब थे वह आराम करने के लिए घोड़े से उतरे। तो अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिंघाड़ता हुआ यानी कि आवाज़ देता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। तो अभी आपको यह पूरा पैसेज समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको यहाँ पर फिल करने हैं, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। क, मोती के पुराने साथियों ने उससे मुंह क्यों फेर लिया? उत्तर, जंगल में स्वच्छंद विचरण करने वाले हाथी मानव जाति की गुलामी करने वाले हाथियों या अपने झुंड से बिछड़े हुए हाथियों को पुनः अपने झुंड में शामिल नहीं करते, इसीलिए
मोती के पुराने साथियों ने मुंह फेर लिया। तो बच्चों, जंगल में जो स्वच्छंद यानी अपने आप जो विचरण करते हैं, ऐसे जो हाथी है वह मानव जाति की गुलामी करने वाले जो हाथी होते हैं, या तो उनके झुंड से जो बिछड़ गए हुए हाथी होते हैं उनको वह पुनः यानी कि फिर से अपने झुंड में शामिल नहीं करते हैं। इसीलिए मोती के पुराने साथियों ने मुंह फेर लिया। प्रश्न ख, मोती ने रास्ते में क्या देखा? मोती ने रास्ते में देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। प्रश्न ग, राजा साहब घोड़े से क्यों उतरे? उस दिन बहुत तेज धूप थी, इसलिए राजा साहब आराम करने के लिए घोड़े से उतरे। प्रश्न घ, मोती ने अचानक क्या किया? मोती अचानक चट्टान की आड़ से निकलकर राजा साहब पर हमला करने दौड़ा। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो प्रश्न के उत्तर है यह सारे आपको अभी टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं। धन्यवाद।